दो दिन पहले बिदा थाना के करीगांव में बोरी में बंद मिले शव को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में रॉकी और जगदीश को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में सलकन गांव के रहने वाले मुकेश कश्यप की हत्या करने की बात स्वीकार की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के द्वारा आरोपियों को रुपये मांगने और अन्य तरीके से परेशान किया जा रहा था, इससे वे लोग काफ़ी नाराज थे और हिसाब चुकता करने का मौका तलाश रहे थे। उन्होंने एक स्थान पर युवक को बुलाया और फिर उसके बाद काम तमाम कर दिया। मीडिया से यह जानकारी साझा करने के दौरान पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 13 तारीख को करीब 9 बजे मृतक शराब पिलाकर अपने दुकान से लगभग 100 मीटर दूर ले गया तथा अपनी दुकान में रखे दराती से उसके गले पे अवर तोड़ वार किया, जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पश्चात अपने साथ जगदीश कश्यप के साथ मिलकर वो मृतक के शव को बोरी में भरकर एक मोटरसाइकिल से गाँव अलग अलग गाँव से होते हुए सिया देवी गाँव पहुँचा। सिया देवी गाँव में कुल हसदेव नदी के पुल से उसने मोदी को हसदेव नदी में फेंक दिया, जो बाद में बिरला थाना क्षेत्र के करीब प्राप्त हुआ।